जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज ऑन द टॉपिक कि क्या आप आरडीसी और एनएससी, टीएससी और बीएससी, जो ये तीन हमारे विंग स्पेसिफिक कैंप है, इन्हें क्या हम साथ में कर सकते हैं, या अगर मैं एक ही ईयर में हूँ तो कैन आई डू इट टुगेदर, बेसिकली कि मैं इधर भी सिलेक्टेड हूँ या मैं उधर भी सिलेक्टेड हूँ, तो इन दैट मैनर क्या मैं दोनों कैंप साथ में कर सकती हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कैडेट्स हैं जिनको इस चीज़ से रिलेटेड डाउट्स होते हैं, एंड देयर आर अ फ्यू क्वेरीज जो मुझे आई हैं, है ना, ऑन माय इंस्टाग्राम। तो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका एनएससी, टीएससी, बीएससी विंग स्पेसिफिक कैंप की। तो देखो, ये जो आपके कैंप्स होते हैं ना, ये आपके यूजुअली कंडक्ट होते हैं अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में, डिपेंडिंग ऑन द ईयर, ओके। और इसके जो आपके सिलेक्शंस हैं, सिलेक्शंस हमारे हो जाते हैं जून जुलाई में, यू नो, एक दो मंथ्स पहले से ही सिलेक्शंस हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे कैडेट्स होते हैं जिन जो लोग इनिशियल स्टेजेस में अंदर हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें जो एक बड़ा ओपन सिलेक्शन था उसमें बच्चे अंदर हो गए, और अब उनके मन में कहीं ना कहीं आरडीसी करने की भी इच्छा है, और अब उनको ये भी डर है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आरडीसी में अपना पांव डालें, यहाँ से भी बाहर हो जाएं और आरडीसी से भी बाहर हो जाएं, और कहते हैं ना, कहीं के भी ना रहे, ना घर के ना घाट के, तो वैसी वाली सिचुएशन ना हो जाए। और अगर बात करें भैया आपका आरडीसी की, तो आपका ये कैंप लगता है, आपका कैंप लगता है जनवरी में, पूरा मंथ जान का जाता है, और उसके जो सिलेक्शंस हैं वो भी कुछ महीने पहले से स्टार्ट हो जाते हैं आपके अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होती है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना एक्चुअली एक और सिचुएशन है एक्चुअली जो आपको समझनी है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि फॉर इंस्टेंस, अगर एक आपका कैडेट है जो प्रोबेबली, यू नो, सिंपली मैं एक एग्जांपल पिक कर रही हूँ, उसको लिटरली मत लेना, जैसे कि राजस्थान से फॉर इंस्टेंस एक बच्चा है, मतलब एक बड़ी डायरेक्टरेट से बच्चा है, ओके, वहाँ से एक कैडेट लेट से पूछता है एक ऐसे बच्चे से जो छोटी डायरेक्टरेट से है, लाइक दिल्ली से, और वहाँ से पूछ के फिर वो अपना प्रोसीजर प्लान करता है, ओके, तो जरूरी नहीं है कि जैसा सिलेक्शन प्रोसीजर एक छोटी डायरेक्टरेट में कंडक्ट होता है, जैसे जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका दिल्ली में हो वही राजस्थान में भी फॉलो हो, या वही आपका आंध्र में भी फॉलो हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। देखो, जो आपका मोटी मोटी चीज़ें होती है ना, वो तो सेम होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट मंथ्स, जैसे कि आपका रिपब्लिक डे कैंप है, ओके, अब क्या होता है, जैसे दिल्ली में आपका 3 से 4 महीने पहले सिलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, प्री कैडर्स, आईडीसी, आईजीसी सब लग जाता है। अगर और स्टेट्स की बात करें, बड़े स्टेट्स की, तो वहाँ पे 7 से 8 महीने लग जाते हैं बच्चों को आगे आगे एंटर करते करते, ठीक है। तो मतलब एक स्टेट से अगली स्टेट को कंपेयर करके, जैसे कि अगर मैंने किसी और से पूछा कि यार क्या चल रहा है वहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन प्लान करूँगी, तो आई डोंट थिंक दैट इज वर्थ इट, ठीक है, वो कहीं से भी ठीक है प्लान करना ऐसे, तो ऐसे तो देखो मत प्लान करना, ओके। तो अब इस पे आते हैं कि भैया सोल्यूशन क्या है, तो क्या करा जाए, ठीक है, व्हाट कैन वी डू। तो सी, पहली बात तो ना, ये डायरेक्टरेट पे डिपेंड करता है, जैसे कि बहुत सारी डायरेक्टरेट्स ऐसी होती हैं जो ये सोचती हैं कि देखो यार, हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एक कैंप लगा लिया है, जैसे टीएससी, एनएससी, बीएससी, ये कैंप लगा लिया है, अब कुछ और बच्चे हैं जिनको मौका मिलना चाहिए आड़ी करने का, ठीक है, तो कुछ डायरेक्टरेट्स का मतलब ये सोचती हैं और उन लोगों को चांस नहीं देती, कुछ डायरेक्टरेट्स ये सोचती हैं कि नहीं यार क्या फर्क पड़ता है, इनफैक्ट जो बच्चा जो बच्चा आपका टीएससी, एनएससी, बीएससी ये कैंप्स करके आया है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा आड़ी में, तो ये अलग अलग थिंकिंग है, ठीक है, डायरेक्टरेट वाइज। तो यही चीज सोच के ना, अलग अलग डायरेक्टरेट का अलग अलग हिसाब किताब है, ऐसा कोई परमानेंट सीन नहीं है कि यार हाँ, जो बच्चे आपका यू नो ये वाले विंग स्पेसिफिक कैंप में सिलेक्ट होते हैं वही उन्हें आरडीसी में सिलेक्शन देने का मौका मिलता ही मिलता है या नहीं मिलता है,
तो ऐसा कोई परमानेंस नहीं है। जैसे बच्चे जो हैं वो अपना कैंप लगा के आ गए, आपका टीएससी लग गया, बच्चे आ गए, आने के बाद लेट्स से कि आरडीसी का कैडर 2 चल रहा है, लेट्स से कि आरडीसी का जो कैडर 1 है वो ओवर हो गया पूरे तरीके से बढ़िया, और अब जो आरडीसी के 1 कैडर के बच्चे हैं वो 2nd कैडर में जा रहे हैं, तो उस बीच लेट्स से आपका टीएससी और ये सारे कैंप आपके विंग स्पेसिफिक कैंप ओवर हो गए हैं, वहां से भैया बच्चे आए तो उन्होंने बोला जी आप सिलेक्शन दे दो, तो और लेट्स से के डायरेक्टरेट को भी एक्स्ट्रा बच्चों की जरूरत थी, है ना, लेट्स से उन्हें नेवी के एक बच्चे, वायुसेना के 1-2 बच्चे चाहिए थे, तो उन्होंने वहां से बच्चे उठा लिए। तो वहां से क्या होगा फिर, बच्चे वो जो बच्चे होंगे वो आपका आरडी 1 कैडर को क्रॉस करे बिना वो सीधा 2nd में अंदर हो जाएंगे। ओके, जो मतलब बच्चे यहाँ से एंट्री करते हैं तो उनका हिसाब ऐसा होता है। अच्छा, अब हम लोग 2nd सिनेरियो पे आते हैं, विच इज कि देखो ये भी एक मिथ है या मिसकंसेप्शन है कि जो बच्चे ने आपका आरडी, कि जो बच्चे ने आपका थल सेना कैंप, वायुसेना कैंप, नौसेना कैंप करा है वो बच्चा आपका आरडीसी करेगा ही करेगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज हर एक कैंप की स्किल्स होती है जिसके बेसिस पे बच्चे को लिया जाता है। जैसे नौसैनिक कैंप है वहाँ की लिटरली रिक्वायरमेंट्स पूरी अलग है, वहाँ पे स्विमिंग कंपलसरी है मोटे तौर पे टेलिंग, ठीक है, वहाँ की स्विमिंग आपकी रिक्वायर्ड है, आपको बोट पुलिंग के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको रिगिंग आनी चाहिए, आपको सीमैनशिप आना चाहिए, तो वो है, और आरडीसी की एक पूरी अलग रिक्वायरमेंट है आपकी, वहाँ पे आरडीसी में आपकी ड्रिल बेस्ट होनी चाहिए, मतलब ड्रिल तो कहते ना एक बेस है आरडीसी का, बाकी जो भी इवेंट्स हैं आपके वो तो उस बेस के ऊपर बिल्डिंग की तरह एक्ट करेंगे, तो लेकिन आरडीसी में ड्रिल बेस है, फाइन। तो स्किल्स का यहाँ पे क्या है, स्किल्स आपकी अलग अलग हो रही है, तो बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो बच्चा मस्त अपना वहाँ पे कैंप लगा के आता है, टीएससी लगा आता है, कोई अच्छा सा कैंप लगाता है, वो आपका 2nd कैडर 3rd कैडर में निकल जाता है बाहर, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। लेट्स से कि आप एक बिगनर हो, फ्रेशर हो, आप देखते हो कि आपके कॉम्पिटिशन में तो एक भैया कोई एनएससी बीएससी वाला बंदा है, तो आपको लगता है कि यार ये तो निकाल लेगा, मैं यही रह जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हो सकता है 19-20 का थोड़ा गैप हो, बट कहते हैं ना जो बेस्ट है वो तो भैया बेस्ट ही है, तो 19-20 में पार्शियलिटी हो सकती है, बट एक ज्यादा बड़े नंबर में देयर कैन बी नो पार्शियलिटी। ओके, अगला डाउट आता है आपका कि ईयर का क्या हिसाब है, जैसे 2nd ईयर, 3rd ईयर, देखो पहला सीन तो ये है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो आरडीसी कर ही नहीं सकते, फाइन, तो फर्स्ट ईयर के बच्चे तो इट्स नॉट अलाउड। और फिर क्या हिसाब है आपका, देखो अगर 2nd ईयर में आपने अपना कोई भी कैंप लगा लिया है, जैसे अगर आप अपना विंग स्पेसिफिक कैंप लगा के आ जाते हो, जैसे कि थल सेना कैंप, वायुसेना कैंप, नौसेना कैंप आपने 2nd ईयर में लगा लिया है, कोई इशू नहीं है, आपको सिचुएशन मिल गई, मौका मिल गया, और आपने आरडी भी लगा लिया, ग्रेट है ना, बहुत अच्छा। अगर आप नहीं लगा पाए तो आप बिंदास अगले साल ट्राई करो, तो 2nd-3rd ईयर में यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ 2nd में है, 3rd में नहीं मिल रहा चांस, ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ बच्चा 1st ईयर का नहीं होना चाहिए, 2nd या 3rd ईयर में से होना चाहिए बच्चा। ओके, अगली चीज आपकी आ जाती है इवेंट्स लाइक शिप मॉडलिंग। अच्छा, जैसे शिप मॉडलिंग मैं एक बता दूं कि ये आपका नेवी स्पेसिफिक है, जैसे कि नेवी में ही आपको एक बोट के मॉडल्स बना के उसको दिखाना पड़ता है, टेस्ट करवाना पड़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है एक्चुअली बहुत मंथ पहले से ही बच्चों को प्रैक्टिस करवा दी जाती है बोट को बनाने के लिए एक्चुअली सिखाया जाता है हमें, तो यहाँ पे क्या है भैया ये तो और ज़्यादा स्किल बेस्ड है, फाइन। तो यहाँ पे यूजुअली ऐसा होता है कि जो बच्चा एनएससी करता है वो आरडीसी करता ही करता है, क्योंकि उनका इवेंट शिप मॉडलिंग है और उनको शिप मॉडलिंग सिखाई ही बोट बना के चला के दिखाने के लिए जा रही है, तो उनका इवेंट ही वही है, तो इसलिए हाई चांसेस रहते हैं कि उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट कर लें आरडीसी के लिए भी, बहुत कम चांस रहता है, बहुत कम माइन्यूट चांस रहता है कि नहीं करा सिलेक्ट, ओके, और किसी और बच्चे को सिलेक्ट कर लिया शिप मॉडलिंग में, और अगर आपका कोई पैरेलल इवेंट है तो उस केस में भी दिस थिंग अप्लाइज। ओके, तो अब क्या पॉइंट आता है कि करना क्या है, व्हाट टू डू,
ओके अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो व्हाट शुड आई डू। तो देखो इन माय ओपिनियन अगर आप दोनों में सिलेक्ट हो जाते हो तो आप वो करो, वो कैंप के लिए जाओ जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो। जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ड्रीम कैंप एक्चुअल में थल सैनिक या नौ सैनिक, यही उनका ड्रीम कैंप होता है, उनका आरडीसी ड्रीम कैंप नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सबका आरडीसी ड्रीम कैंप होता है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्मी में ही जाना चाहते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। तो आप जो आपका ड्रीम कैंप है उसके लिए जाना, और एक चीज का ध्यान रखना कि जिसके लिए जिसकी आपके पास स्किल्स है ना, गो फॉर दैट। जैसे अगर आप ड्रिल बहुत अच्छी करते हो और आपकी बॉडी बिल्कुल सही है और आपको एक तरफ लग रहा है कि यार मेरी चीजें इतनी सही नहीं है थल सेना कैंप के लिए, मेरी मतलब स्किल्स इतनी ज्यादा प्रोन, मतलब कि मेरी इतनी ज्यादा सही चीजें नहीं बैठ रही हैं थल सेना कैंप में और मेरे निकलने के आउट होने के चांसेस है लास्ट में, तो यार फिर तो ऐसे केस में यू शुड प्रेफर आरडीसी। तो वही है, अपनी स्किल्स को देखो कि कहाँ पे आप किस कैंप के आप अंदर हो सकते हो और उस कैंप को आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करो। और भैया अगली सिचुएशन ये है कि अगर आप थल सैनिक, नौ सैनिक और वायु सैनिक कैंप में सिलेक्ट हो गए हो और आपको आरडीसी का नहीं पता, क्योंकि पहले तो इसी के सिलेक्शंस होते हैं, तो अगर आप इस कैंप में सिलेक्ट हो गए हो और आपको आगे का नहीं पता और आप एक अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहते हो कि यार मैं यहाँ सिलेक्ट हो गई हूँ और अब डर है कि यार अगर कहीं पता चले यहाँ से हाथ धो बैठे और आड़ी के भी अंदर नहीं हुए तो ना घर के ना घाट के कहीं नहीं बचेंगे, विल जस्ट टेक केयर ओनली। तो इस केस में क्या करो, देखो मेरे हिसाब से तो अगर सिलेक्ट हो गए हो ना तो आप अपना विंग स्पेसिफिक कैंप ही करो और आरडीसी जो है आपका उसको सिचुएशन पे छोड़ दो। अगर सिचुएशन फेवरेबल हुई तो आप अगर सिचुएशंस फेवरेबल हुई तो रीसिलेक्शंस हो जाएंगे, और अगर रीसिलेक्शंस नहीं हुए आपके डायरेक्टरेट में तो कम से कम आपके पास एक कैंप होगा जो आपने कर रखा होगा, तो आई थिंक दिस वुड बी बेटर। दोनों कैंप को बैलेंस करने की कोशिश मत करना, स्पेशली इन द इनिशियल स्टेजेस में, जैसे कि आप जस्ट भैया अभी आप कहीं अपना आईबीसी लेवल में कहीं घुसे हो, जस्ट बिल्कुल पैर डाला है ना, एक इस नाव में, तो ऐसा मत करना, क्योंकि उस केस में क्या है भैया, फोकस बिल्कुल ही आपका डिवाइड हो जाएगा और ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इस केस में तो भैया एक ही चीज को अपना 100% देना, बैलेंस करने की कोशिश मत करना इनिशियल स्टेजेस में तो खासकर। तो दिस वॉज ऑल इन माई टूडेज वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।